आपका उम्र हो गया, वृद्धा पेंशन मिलता है? जी ना, वृद्धा पेंशन कुछ नहीं मिलता है। 71 साल के उम्र हो गया हमारे, आई हाँ आई कार्ड से देखा जाए 71 साल हो गया, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं मिला। हम लोग के तो राशन उशन कुछ नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। काहे? कितना बेर भरे या कितना कांटी ब्लॉक से कहाँ कहाँ भरे, कोई कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये आप देखिए, और डिसेबिलिटीज का इन्हें पैसा नहीं मिलता है। इस बच्चे को विकलांग है, लेकिन 40% विकलांग है, लेकिन विकलांग पेंशन नहीं मिलता है। ना वृद्धा पेंशन मिलेगा ना मैंने कुछ ना है। वृद्धा पेंशन ना मिलेगा? काहे ना मिलेगी वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है हमको। मेरे ससुर विकलांग, उनका एक आँख नहीं है। वो कितना बार मतलब विकलांग वाला फॉर्म भर लेके उसका कोई इतना कुछ नहीं रिजल्ट निकला। मुखिया बोलता है कि ब्लॉक जाने के लिए, और फिर ब्लॉक से आते हैं तो मुखिया को बोलता है, मुखिया कहने फॉर्म भरते भरते थक गए, लेकिन उसका कोई मतलब निदान नहीं निकला। भेटेगा विधवा पैसा उसका कुछ ना भेटेगा। विधवा पेंशन ना मिलेगी? ना, चार साल हो गए, चार साल कुछ ना भेटे। वो हरजन के लिए है खाली, और आदमी के लिए ना है। पाँच साल के बीच में पैखानो तो दिया है, 2000 घूस लिया है, 2000 लिया है सर। दाहू तेगो पुलिस विभाग में जगह का आदमी रहता है, वो बोला तो क्या कहता है, खाली हरजने के लिए है और आदमी के लिए नहीं है। क्या हम लोग के घर तर चले बताएंगे? हाँ। यही बगले में चलिए ना, हमारे घर तर बताएंगे। बताइए ना आप यहीं पे। अच्छा चलिए ना, चलिए ना बताते हैं, वहाँ भी समस्या देखिए। देख लेंगे। अरे आप वहाँ चलिए ना तो बताते हैं भाई जी। चलिए ना वहाँ तो दिखाते हैं, हम लोग को भी रोड पर कितना पानी लगा हुआ, चलिए ना हम दिखाते हैं आपको। समस्या बता दीजिए। अरे हम यहाँ कल्ला बतावे, चलिए ना। कितना माल लेके आते हैं यहाँ आप? अच्छा, कितना पैसा लेके आते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौरसिया। हम बिहार लाइव नाउ के माध्यम से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, जहाँ पर हम ग्रामीणों की समस्या, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको निष्पक्ष तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के पहले ये मेरा संवाद आप लोगों के लिए इसलिए मैंने बनाया और इसे अतिरिक्त रूप से डाला गया, क्योंकि आज एक घटना हुई, और ऐसे भी पंचायत हैं जहां पर अगर मीडिया जाती है तो उनके साथ बदसलूकी होती है, मारपीट जैसी घटना को भी अंजाम दिया जाता है। कुछ दबंग नहीं चाहते हैं कि पंचायत की हकीकत, पंचायत की सच्चाई जनता के और सरकार के सामने आए। इसी दरमियान मुजफ्फरपुर ज़िला के कांटी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में आज हम सर्वे करने गए थे। सड़क के किनारे हम सर्वे कर रहे थे, एक गांव टोला था, वहां पर कुछ ग्रामीण थे, लेकिन उस सर्वे को डिस्टर्ब करने के लिए, उसे रोकने के लिए कुछ दबंग वहां पर आ गए, और उसका भी अंश आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें वहां पर सर्वे नहीं करने दिया गया, और उस दबंग ने, हालांकि हमारा सर्वे पूरा हो चुका था, और उस दबंग ने आकर वहां पर बहुत बदतमीजी की, बदसलूकी की। और कहीं भी शाहपुर पंचायत की अगर बात करें, विकास की बात करें, ग्रामीण बताएंगे क्या विकास हुआ है। कुछ दलाल तबके के लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि विकास हुआ। हालांकि मैं उस पंचायत में फिर जाऊंगा, मैं उन लोगों को भी ये कह दूं और जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि वो ऐसा पंचायत है जहां पर कुछ भी हो सकता है, पत्रकारों के साथ कोई भी अनहोनी की जा सकती है। आप इस पूरे सर्वे को देखें और खुद आप जज करें, खुद आप चारों तरफ से सोचे समझे कि ये कितना गलत और कितना सही सर्वे है। हालांकि जिस आदमी ने वहां पर हंगामा किया, जिस आदमी ने हमें रोकने की कोशिश की, उसने हम पर आरोप लगाए कि हम सर्वे पैसा लेकर करते हैं। तो आप खुद इसको जांचें, परखें और देखें ये सर्वे कितना सही और कितना गलत है। हालांकि शाहपुर पंचायत में हमारा सर्वे और होगा, अगर हमारे ऊपर कुछ भी ऐसी घटना होती है तो एक व्यक्ति तो वहाँ है, उसमें
और उससे जितने संपर्क के लोग होंगे उन पर ये पूरा दोष जाएगा। तो आप देखिए इस सर्वे को और फिर खुद में आप निर्णय लीजिए कि ये सर्वे कितना सही है और कितना गलत है। पंचायत के जो मठाधीश बनकर रहना चाहते वो नहीं चाहते कि आपकी परेशानी लोग देखें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड शाहपुर पंचायत में। यहाँ सीधे ग्रामीणों से बात करेंगे सुविधाओं के बारे में, विकास के बारे में, 5 साल में क्या मिला क्या नहीं मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के ग्रामीणों से ही हम सीधे सीधे बात करेंगे। कितना विकास हुआ है पंचायत में? पंचायत में तो कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। आज 15 साल से जो मुखिया आज हैं वो जो है सो हम लोग गरीबों को कुछ नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि घर टूटा हुआ है लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं। पत्नी विकलांग थी, उसका जो है सो विकलांगता नहीं मिलता था, उसके लिए हम BDO साहब के पास गए। BDO साहब यहाँ आए और सर्वेक्षण करके उन्होंने कहा हमारे सामने में मुखिया जी को कि इसमें तो आप फंस सकते थे। फिर तो समय वो बोले मुखिया जी कि नहीं सर हम जोड़ देते हैं कैसे न कैसे कट जाता है, तो कहे इस बात को नहीं मानेंगे। तो फिर हमको BDO साहब बुलाए, वहाँ हमारा सारा काम करवा दिए। उसके बाद हमारी पत्नी को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद वह मर गई। तो आज तक हमको कुछ नहीं मिला। आपका उम्र हो गया, वृद्धा पेंशन मिलता है? जी ना, वृद्धा पेंशन कुछ नहीं मिलता है। 71 साल की उम्र हो गया हमारे, आई कार्ड से देखा जाए 71 साल हो गया लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। देखिए 71 साल के हैं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, कहाँ जाता है इनका वृद्धा पेंशन? बहुत बड़ा सवाल है। इस पंचायत पर कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला 5 साल के बीच में। हम भी तो विकलांग है लेकिन हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, लेकिन ये मुखिया जो बने प्रेम राम वो हमको कुछ नहीं दिए। कहते हैं कि सिर्फ हर जाने के लिए है और आदमी के लिए नहीं है। इसमें पुलिस विभाग के आदमी के हम रखे हुए हैं गवाही, दाहुत उसका नाम है। हाँ, पैखाना भी दिए तो 2000 रुपया घूस लगा। कितना मिला आपको? 2000 देना पड़ा? हमको नहीं लगा, हमको पैखाना मिलवे नहीं किया है लेकिन और आदमी के मिला है तो 2000 घूस लगा है। हाँ, तब वो दिए हैं। यहाँ भी घूस का पूरा ड्रामा चल रहा है जैसे कि हर पंचायत में होता है। आप युवा हैं, कितना विकास आपको लगता है पंचायत में? कुछ विकास नहीं। नल जल का भी कार्य सही से नहीं हुआ है, अभी तक पानी आ जाना चाहिए तो पानी भी नहीं है। फोन करते तो कहता है कारपेटर जला हुआ है, ये जला फलना जला, हर तरह का बहाना होता है। नल जल का अभी तक एक पानी भी कहीं देखिए तो नल टूटा हुआ है, कहीं ऐसे उखाड़ के बिगा हुआ है, कोई कार्य नहीं। नल का देख लीजिए, नल पानी भी नहीं देता है। फोन करने पर कहते हैं कारपेटर जल गया, मोटर जरा हुआ है, हर तरह का बहाना साबित रहता है। कोई बहाना उनको बंदर बाट, यहाँ भी पूरा योजनाओं का बंदर बाट। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितना विकास लगता है आपको इस पंचायत में 5 साल में? हम लोग के तो राशन उशन कुछ नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता? नहीं मिलता है। काहे? कितना बेर भरे या कितना कांटी ब्लॉक से कहाँ कहाँ भरे, कोई कुछ नहीं है। हाँ, कुछ बोल भी नहीं। आएगो बेटा के भी है तो विकलांग है, देखिए उसको भी नहीं। देखिए ये सर्टिफिकेट पूरा लाई है विकलांग का, राशन तो हाथ ना आए तो विकलांग के बैठा रहे। विकलांग का है, पेंशन उंशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। पेंशन नहीं मिलता? नहीं, पेंशन नहीं मिलता है। देखिए विकलांग का सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये आप देखिए। और डिसेबिलिटीज़ का इन्हें पैसा नहीं मिलता है, इस बच्चे को विकलांग है लेकिन 40% विकलांग है लेकिन विकलांग पेंशन नहीं मिलता है। माता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कितना सुविधा मिला है? हमारा कुछ नहीं, राशन छोड़ कर कुछ ना है, ना वृद्धा पेंशन मिली है, ना मैंने कुछ ना है। वृद्धा पेंशन ना मिला है? काहे ना मिला ये वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है हमको। क्या मुखिया को बोलती हैं तो क्या कहता है मुखिया? ना मुखिया ना हमको दिया है ना। कितना उम्र हुआ आपका? 60 साल से ऊपर होगा आपका? हाँ, 65-66। देखिए वृद्धा पेंशन इनको भी नहीं मिलता है,
तो ये हालत शाहपुर पंचायत की व्यवस्था एकदम फालतू व्यवस्था में, क्या कितना विकास विकास क्या हुआ, कुछ नहीं विकास हो रहा है। मुखिया क्या करेगा, ना मुखिया कुछ करता है ना वार्ड कुछ करता है। मेरे ससुर विकलांग, उनका एक आँख नहीं है, वो कितना बार मतलब विकलांग वाला फॉर्म भर लेके उसका कोई इतना कुछ नहीं रिजल्ट निकला। मुखिया बोलता है कि ब्लॉक जाने के लिए, और फिर ब्लॉक से आते हैं तो मुखिया को बोलता है, मुखिया कहने फॉर्म भरते भरते थक गए कि इसका कोई मतलब निदान नहीं निकला। 400 रुपया जो विकलांग का आता था वो नहीं, विकलांग वाला कुछ नहीं मिलता है। मेरी सास है उनको भी कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में हम लोग का अभी उस उतना दिन से तो फिर राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड आया भी तो फिर इंदिरा आवास भरे उसका, उसके बाद में इसका मतलब मुखिया उससे ऊपर कुछ नहीं लिया कि हाँ इंदिरा आवास है पास करने के लिए। तो बोलता है कि इसे अगर इस पर आवाज़ उठाया जाता है तो मुखिया क्या बोलता है कि इसे नहीं करेंगे काम, जाइए जो करना है कीजिए, आवास नहीं देंगे, नहीं देंगे जो करना है कीजिए। लेकिन हम तो ये भी बोलते हैं कि वोट नहीं देंगे और फिर भी उसको काम करना है, अगर काम नहीं करेगा मुखिया तो फिर उसके बाद में हम लोग महिला लोग देख लेंगे कि करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल, और महिला सशक्तिकरण तो आप समझ ही सकते हैं कि नारी जो कि दुर्गा और काली का भी रूप ले लेती है। और इस बार हालत बहुत ख़राब है पंचायतों की, आप देखेंगे यहाँ एक और वृद्ध हैं, विकलांग भी है, आप ही का एक आंख नहीं है, पत्थर का लगा हुआ, पत्थर का है, तो विकलांग पेंशन मिलता है? नहीं नहीं मिलता नहीं। कब से है ये परेशानी? तो सताती है, मतलब आँख हमको डैमेज हो गया और उसके बाद हम कितना मतलब भर चुके नहीं मिला, तो ऐसा 21 में हमको वृद्धा पेंशन लागू हुआ है, जबकि हम 28 से करवाया। 21 में अभी से मिलना स्टार्ट हुआ? अभी से स्टार्ट हुआ है। कितना उम्र है आपका? हमारा है 67 साल। 67 साल, और इस साल से इनको वृद्धा पेंशन मिला है, मतलब समझ लीजिए क्या स्थिति है पंचायत की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। क्या कितना विकास उकास दिखता है? हमरा कुछ नहीं भेटा था, विधवा पैसा वैसा कुछ ना भेटा था। विधवा पेंशन ना मिले? ना, चार साल हो गए, चार साल कुछ ना भेटे, पाँच साल कुछ ना, 4-5 साल हो गया नहीं मिलता कुछ ना। कितना मुखिया के भर बड़ बकली कुछ ना सुने थे, ना मुखिया सुने थे ना वार्ड सुने थे, कुछ ना कुछ ना सुने थे, खाली वह राशन भेटे था बस, और कुछ ना। आवास योजना आवास उवास मिला? कुछ ना। पैसा उसका शौचालय उचालय? कुछ ना कुछ ना। तो क्यों है यहाँ पर प्रतिनिधि, ये समझ में नहीं आता है। शाहपुर पंचायत में हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी तरह से हकीकत कि लोग परेशान, वृद्धों को वृद्धा पेंशन नहीं, विधवा को विधवा पेंशन नहीं, विकलांग को विकलांग पेंशन नहीं, और सारे पैसे आते हैं तो ये जाता कहाँ है पैसा? क्या करते हैं यहाँ के प्रतिनिधि? 5 साल में आते हैं प्रतिनिधि, आता है तो वो मुखिया आएगा फिर 5 साल में वोट मांगने, झाड़ू से मार खाता है, झाड़ू से मार खाता है मुखिया वार्ड वार्ड तो कहियो दूरा पर ना अलैया बेटी चोद हमनी के पूछे कहियो ना वार्ड तो कहियो देखाऊ ना अलैया सहा कैसा नहीं ना है से। तो देखिए 5 साल में एक बार जरूर आएंगे लोग वोट मांगने, तो आते ही हैं वो हरजन के लिए है खाली, और आदमी के लिए ना है। 5 साल के बीच में पैखानों तो दिया है, 2000 घूस लिया है, 2000 लिया है सर। दाहूत एगो पुलिस विभाग में जगह का आदमी रहता है, वो बोला तो क्या कहता है, खाली हरजने के लिए है और आदमी के लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन मुँहगरा का काम होगा, कमजोरा का काम नहीं होगा, ये सुन लीजिए बात को। चलिए हमारे दरवाजे पर मरैया देखिए तो गिरा हुआ है कि बिल्डिंग है, चलिएगा तो चलिए 5 मिनट के लिए मेरे दरवाजे पर, रिपेयरिंग भी पैसा नहीं। अच्छा। एक वह विनोद मुखिया था कि बेचारे 24,000 रुपया घर वाली के दिए, इसके बाद कोई नहीं। 2 गो मुखिया के हमने तेल लगाया लेकिन वृद्धा पेंशन चालू नहीं किया, तो हमको इधर सरस्वती पूजा के बेरी से एक लड़का काम करवाया, यही है और क्या है। ये यहाँ कहेगा ब्लॉक जाओ तो वार्ड के कहेंगे तो सदर जाओ तो फलना जगुन जाओ तो चिल्ला जगुन जाओ, जबकि काम है वार्ड का और मुखिया का, और अंगूठा बोर आदमी के उसके सामने गुजारा नहीं है, और जूता से जब मारेगा ना लाठी से तो उसका काम तुरंत होगा, तुरंत देखेगा कुछ दबंग पार्टी है, ये तो कमजोर है घाट पर जाने वाला, तो उसका काम थोड़े होगा मालिक, होगा उसका काम नहीं होगा। और दहिना बने बयां बनेगा मुखिया के वार्ड के तो वो जितना चल जाए एने के उन्हें। देखिए ये परेशानी है शाहपुर पंचायत की, ये यहाँ के लोग हैं, यहीं पर इनका घर है, यहीं पे रहना है, परेशानी पूरी तरह से है, आक्रोश इसीलिए है। जो पैसे आते हैं, जो योजनाएं आती हैं, उसका लाभ इनको नहीं मिल पाता है,
लाभ कहाँ जाता है? बहुत बड़ा सवाल है। शाहपुर पंचायत की हालत आप सबके सामने, आप भी इसी पंचायत के हैं क्या? क्या हम लोग के घर तर चले बताएंगे, यही बगले में है, चलिए ना हमारे घर तर बताएंगे। बताइए ना आप यहीं पे। अच्छा चलिए ना, देखा उन्हें चलिए ना बताते हैं, वहाँ भी समस्या देखिए तो देख लेंगे। अरे आप वहाँ चलिए ना तो बताते हैं भाई जी, चलिए ना वहाँ तो दिखाते हैं। हम लोग को भी रोड पर कितना पानी लगा हुआ, चलिए ना हम दिखाते हैं आपको। तो समस्या बता दीजिए। अरे हम यहाँ कला बतावे, चलिए ना। कितना माल लेके आते हैं यहाँ आप? अच्छा कितना पैसा लेके आते हैं आप? पैसा लेके आते हैं आप हमारे नजदीक, चलिए ना हम यहाँ कला बताए, चलिए हम अपने दूरा पर बताते हैं कि हमारा क्या स्थिति है। ये आपको माल देने लेने वाला, हम अपनी तकलीफ मैं बताऊंगा। तो आपकी हम अपनी तकलीफ बताऊंगा। आपको मैंने देखा तो आपसे पूछा ना। चलिए ना हम आपको नजदीक बताते हैं कि हम भी दिखाते हैं कि हमारे नजदीक क्या है, क्या तकलीफ है। तो आप तो डायरेक्ट ही आरोप लगा रहे हैं, माल लेके आते हैं महाराज, माल लेके आए, पूछ रहे हैं माल लेके आए हैं। आप लोग एकदम अति किए हुए हैं। चलिए हम भी अपने नजदीक बताते हैं, बदतमीजी वाला काम कर रहे हैं। बताइए समस्या हम पूछ रहे हैं। अरे भाई तो समस्या पूछ रहे हैं, फोटो खींच। ये गरीब आदमी हमको, ये महिला हमको पैसा देगी भाई साहब? नहीं, ये अपने कैसे? अरे आपको कोई कैंडिडेट देता है? चलिए हम, कोई कैंडिडेट नहीं देता है। चलिए हम आपको अपने नजदीक दिखाते हैं। चलिए आपके यहाँ चलते हैं। चलिए कैंडिडेट देता है, कैंडिडेट तो आप लग रहे हैं, कैंडिडेट देता है, कैंडिडेट तो आप हैं। बात कीजिएगा आप हमसे, बात कीजिएगा। समस्या है, यही रोड है, यही रोड है आपका। रोड कौन बनवाया? ये कौन बनवाया रोड? कौन बनवाया? बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का है ना? बिहार सरकार पे थोप दोगे सब चीज? बिहार सरकार। हाँ, ये कैंडिडेट है, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये कैंडिडेट इस बार लड़ेंगे। ये नहीं तो क्या, जनता क्या बुलाएगी? हम खुद जाते हैं, हम खुद जाते हैं परेशानी में। हमसे क्या? पूरे बिहार में मैं घूम रहा हूँ, आप मुझे आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं ना, तो हम अपना ना अपना घर में रखेंगे, ये हम अपना घर में रखेंगे। क्या परेशानी है? हमको कोई परेशानी नहीं है। हाँ। हमारे पंचायत में विकास हुआ है। हाँ। हमको साथ विकास हुआ है। बताइए ना, तो वही तक कर रहे हैं हम, ये थोड़ी कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं। जैसे हम आपके बपौती में रहते हैं, हम आपके नौकर हैं। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, इतने दुर्व्यवहार में नहीं पूछ। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आपकी बपौती में नहीं हूँ, मैं भी आपके अधीन नहीं हूँ। तो आप जाइए, अरे आप जाइए, आप करें मेरे दरवाजे पे आइए। ये क्या तरीका है भाई? वहाँ नहीं देखिएगा, वहाँ का समस्या नहीं देखिएगा। समस्या तो हम पूरा देख रहे हैं, यही गड्ढा है, यही गड्ढा घर है भैया, यही विकास है, हम भी दिखाते हैं, यही विकास है। ये वृद्धा पेंशन नहीं मिला। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले एचआर जॉनसन टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन टाइल्स का भव्य शोरूम माँ भवानी ट्रेडिंग कंपनी रुद्रा ट्वेटा के बगल में, पटना रोड रामदयालु मुजफ्फरपुर।